ये पता नहीं भाई, ये पता नहीं कोई चूहा हुआ चढ़ गया होगा। पहले बैकड्रॉप सेट करो, फिर बढ़िया सा वीडियो बनाओ, बहुत काम करना पड़ता है। अब देखो कैसा ही है। तुम्हारा भाई मृदुल मधोक वीडियो एक नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहा है, बट उससे पहले तुम्हारा भाई यार आई एम रियली सॉरी यार, मतलब वीडियो में, ये वाली वीडियो में आने में थोड़ा गैप हो गया, क्योंकि यार तुम्हारा भाई यूरोप चला गया था। जिनको नहीं पता वो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी छोटी छोटी अपडेट, मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, कहाँ नहाया कहाँ नहीं नहाया, सारी अपडेट मेरे इंस्टाग्राम पे एडेड है। तो यार अब वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। गोरा क्यों होना है? मेरे को यार लगता है यार हमारे जो, मतलब हम पे रूल कौन कर गया, ब्रिटिशर्स, हमें अभी तक शायद से उनका दिमाग में वो चीज़ फिटेड है कि वाइट स्किन ज़्यादा सुपीरियर है ब्लैक स्किन की वजह से, और शायद से इसीलिए आज एडवर्टीजमेंट या सब चीज़ें, मतलब लाइक एड्स में भी दिखाते हैं कि भाई हमें एड, मतलब हमें काम मिल रहा है क्योंकि भाई हम गोरे हैं, या फिर कुछ दिखाते हैं हमें लड़की मिल रही है क्योंकि हम गोरे हैं। यार ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ तुम्हें दो चीज़ें चाहिए, एक कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिविटी। अगर तुम्हारे पास दोनों ये चीज़ें हैं, चाहे तुम काले हो, गोरे हो, नाटे हो, लंबे हो, कुछ भी हो, तुम्हारे पास पूरी दुनिया आएगी, टू बी ऑनेस्ट। अब भाई हम बात करते हैं कि हम ग्रूमिंग से कैसे थोड़ा सा, मतलब एटलीस्ट यार मैं तुम्हें ये दावा करता हूँ, जो तुम्हारे कान के पीछे जो तुम्हारा स्किन कलर है ना, वो मैं लेके आ सकता हूँ इस वीडियो में, अगर तुमने सारी चीज़ें अप्लाई करी तो। क्योंकि यार मेरे को ये लगता है हम ग्रूम होंगे, हम एटलीस्ट थोड़ा नीट एंड क्लीन देखेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो भाई सबसे पहली चीज़ फेयरनेस, जो आपकी क्रीम आती है फेयर एंड लवली, जो भी बथेरी आजकल भाई मार्केट में क्रीम आ रही है भाई, वो लगाना छोड़ दो। क्योंकि उसके अंदर भाई बहुत केमिकल्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होता है, मर्करी होता है, तुम्हारी स्किन ख़राब कर देगा। अब हम आते हैं मृदुल की स्पेशल चीज़ जो तुम्हें एक्चुअली लगानी है। तो सबसे पहले भाई तुम्हें लगानी है मुल्तानी मिट्टी। अच्छा ये सबसे पहले है ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए भी मैं आऊँगा, ऑयली स्किन वालों के लिए मुल्तानी मिट्टी भाई थोड़ी ले लो, मुल्तानी मिट्टी क्रश कर लो, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर एक ब्रिक फॉर्मेट में मिला है क्रश कर लो, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालना है। हल्दी यार तुमने ये तो सुन ही रखा होगा, जब तुम्हारी शादी भी हो रही होती है, किसी की शादी हो रही होती है, हल्दी यूज़ करते हैं। हल्दी क्या करता है, ब्राइट कर देता है यार एकदम। और आधा आधा नींबू निचोड़ दो, अब वो ब्राइट भी करता है, तुम्हें ग्लो भी देता है, सब चीज़ें देता है। इन तीनों का पेस्ट बना दो और अपने मुँह पर लगाना है 15 मिनट, भाई उससे ज़्यादा नहीं और उससे एक मिनट कम नहीं, उसके बाद उतारना है, ये हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार करना है। अब हम आते हैं ड्राई स्किन वालों पे। यार तुम्हें 2 चम्मच बेसन, आधा चम्मच हनी और 1 नींबू पूरा डाल देना है, और उसका पूरा पेस्ट बना देना, अपने फेस पे लगा देना है। फेस पे जब तुम लगा दोगे, उसके 15 मिनट के बाद ना 1 सेकंड ऊपर ना 1 सेकंड नीचे उतार देना है, और ये भी तुम्हें 2 से 3 बार ही हफ्ते में करना है। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि भाई स्किन ख़राब हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो मैंने ये चीज़ें बताई ये एकदम इफेक्ट करती है भाई, ये तुम्हें करना है, ये तुम मान लो महीने करोगे ना रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा भाई। दूसरी चीज़ ये रहती है डाइट बढ़िया करो। अब डाइट में क्या लेना है, सबसे पहले तो भाई पानी पीना है, पानी जितना ज़्यादा पियोगे उतना सही रहेगा, हाइड्रेटेड स्किन रहेगी, तुम्हारे स्किन पे ग्लो आएगा। दूसरी चीज़ भाई सैलेड, फाइबर, ये सब चीज़ें करो। सैलेड में तो भाई तुम ये मान लो कि ग्रीन लीव्स, जी उसका ग्रीन लीव्स का और ग्लो का जी भाई बहुत कॉमन है, जितना तुम ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रीन लीव्स ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा भाई तुम्हारे फेस पे ग्लो आएगा। तो भाई अब हम आते हैं तीसरे तरीके पे, जो कि तुम्हारे भाई को एक ड्रिंक पिलानी है तुम्हें सुबह सुबह जब तुम खाली पेट हो। ग्लूटोन 1000 की यार छोटी सी टैबलेट आती है, जैसे इनो डिजोल्व हो जाते हैं ना पानी के अंदर, वैसे ही ग्लूटोन 1000 भी डिजोल्व हो जाते हैं। ये एक हार्मोन देता है जिसका नाम होता है ग्लूटाथायोन। ये हार्मोन हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, जो पिगमेंटेशन होती है ना भाई, एक्ने आ जाता है या फिर पिगमेंटेशन कहीं पे काला कहीं पे गोरा, भाई ये रिजॉल्व करवाता है, बट हम काइंड ऑफ ये आर्टिफिशियली ले रहे हैं। तो पहला सवाल तुम्हारे दिमाग में ये आएगा, यार इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? तुम्हारा भाई यूज़ करता है, नहीं है कोई साइड इफेक्ट, ना मैं कोई ब्रांड प्रमोट कर रहा हूँ, तुम किसी भी ब्रांड का ये ले सकते हो। इससे क्या होता है यार, तुम नेचुरली फेयर होने शुरू हो जाओगे, ये तुम्हें एक तरह से आर्टिफिशियल ये हार्मोन देता है, जिस वजह से तुम्हारा नेचुरली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। चौथी चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ, ग्रूमिंग, मतलब भाई बियर्ड, अगर तुम्हारी पैची बियर्ड आती है क्रीम शेव रहो, अगर तुम्हारी अच्छी बियर्ड अच्छी ग्रोथ आती है तो प्लीज़ बियर्ड को मेंटेन करो। तुम्हारी मम्मियाँ भी ये बोलती होंगी तुम्हारी बियर्ड ज़्यादा बढ़ गई है, तुम काले लग रहे हो। बियर्ड अगर मेंटेन रखोगे, बहुत अच्छे से ट्रिम्ड रखोगे, एक तो तुम्हारा फेस शार्प लगेगा, शार्पनेस तुम्हारे फेस में ऐड होगी, दूसरा तुम क्लीन लगोगे, तुम गोरे लगोगे। अब भाई बात आती है फैशन हैक्स, मतलब यार जो अभी मैंने प्रोसेस बताई इसमें देखो मिनिमम 1 महीना लगेगा, बट 1 महीने के बाद जेन्युइन रिजल्ट आने लग जाएंगे, तुम्हारा भाई गारंटी दे रहा है। भाई नहीं आएंगे नीचे कमेंट करने लग जाना है, डिसलाइक बटन दबाने लग जाना, ठीक है? तो भाई अब जब तक वो सीन नहीं होता तब तक तुम कैसे फैशन हैक्स ले सकते हो?
तो भाइयों देखो, ब्राइट कलर्स ना तुम्हें अवॉइड करने हैं। ब्राइट कलर से क्या होता है, फिजिक तुम्हारी रिफ्लेक्ट होती है, फिजिक रिफ्लेक्ट होगी, तुम्हारा बेसिकली यार क्या सीन हो जाएगा, तुम्हारा जो कलर है, तुम्हारी जो कॉम्प्लेक्शन है वो ज़्यादा हाईलाइट होगी, जिससे तुम ज़्यादा काले लगोगे। तुम्हें बेसिकली डार्क कपड़े पहने, डार्क कपड़ों में भाई तुम्हारा ब्लैक तो आ ही गया, डार्क ग्रे, ऑलिव ग्रीन, डार्क ब्राउन या मेहरून, ये सब कलर्स आ जाएंगे, जिसका तुम टी शर्ट शर्ट ट्राई करो कि ये पहनने की। बाकी भाई तुम्हारे से एक रिक्वेस्ट है और तुम्हारा एक सजेशन भी देना चाहता हूँ, तुम्हें इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए, मतलब एज इन कि जैसे अब तुम्हारी कोई डेट है, अपॉइंटमेंट है या कुछ ऐसा वैसा करके सिस्टम है। तुम्हें भाई एक मैं चीज़ बताता हूँ जो तुम्हें फेस पे लगानी है, सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए लगानी है, और वो तुम्हें ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी है क्योंकि भाई स्किन तुम्हारा फिर फटने लग जाएगा। इसलिए तुम ये मत करना कि रोज़ ही मैं लगा लूँ, रोज़ ही मैं कहीं जाओ, ये मैं तब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि हफ्ते में तुम्हारा कोई एक बहुत स्पेशल डे है जिसमें तुम्हें इंस्टेंट गोरा दिखना है। तो भाई ये चीज़ है इनो, क्योंकि उसके अंदर फ्रूट एसिड होता है, इनो, इनो का थोड़ा सा पाउडर लेना, एलोवेरा के अंदर मिक्स करना, फेस पे लगाना है, 30 सेकेंड के बाद घड़ी देख के भाई हटा देना है, इंस्टेंट फेयरनेस मिलेगी। बाकी भाई अपनी प्रॉब्लम पे वीडियो चाहिए, इंस्टाग्राम पे डीएम करो।